आप सबका अपने YouTube चैनल का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं थारा भाई चकुंदर। मेरा YouTube चैनल का फनी नेम है जो मैंने रखा हुआ अपने पे। मेरा नाम वैसे तो सूरज कुमार है लेकिन सुंदर अच्छी रखा गया, मुझे सुंदर पनी करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, आप सबको ये बताने के लिए बनाई है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे मतलब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, वैसे रहता नहीं हूँ और हूँ। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है जो लोग कहते हैं कि हम एक दिन में आप सबको मिलियंस व्यूज ले आ सकते हैं, एक दिन में चैनल मोनेटाइज करें, उन सबके लिए ये वीडियो है। दोस्तों आप सबने नोटिस किया होगा कई लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत जने हैं ऐसे, नाम लेने लगे तो सबसे मेरी तो सुनी हो सकती है, क्या पता मेरे को स्ट्राइक भेज दें। जैसे एक व्यक्ति ने भेज दिया मेरे को स्ट्राइक, लेकिन गलती उसमें मेरी भी थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा उसे, मैंने सॉरी मांगकर स्ट्राइक वापस ले ली उसने, उस बंदे ने। तो बात मेरी ये है कि जो व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ तो बोलता है कि एक दिन में मैं मिलियंस व्यूज ला सकता हूँ। भाई अपनी खुद की वीडियो पे तो उनके मिलियन व्यूज होते नहीं, तो दूसरे की वीडियोस पे क्या मिलियन व्यू घंटा लाएंगे वो लोग। वो कहते हैं कि हाँ हम एक दिन में आपका चैनल मोनेटाइज करा सकते हैं और आप उसके बदले पैसे दे हमें। मेरे हिसाब से एक था मेरे पास गया था चैनल मोनेटाइज करने के लिए, वो कहता है कि आप 12,000 रुपए दें हमें, हम आपका चैनल मोनेटाइज करवा देंगे, 4 घंटे पूरे करा देंगे प्लस 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करा देंगे। तो मैंने कहा कि देखो अगर होना होगा तो वैसे भी हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो नहीं भी होगा, लेकिन मैं मेहनत करना छोड़ूंगा नहीं, मैं लगातार ट्राई करूंगा। तो मेन मुद्दे पे आते हैं इस टाइम, ये एक यूट्यूबर है जो कहते हैं कि 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे एक दिन में हमारी ट्रिक आजमाए। तो आपको बता दूं आप किसी भी ऐसी वीडियोस को देखना, उनकी खुद की वीडियोस पे 12-13 हजार व्यूज ही आते हैं, क्यों उससे ऊपर व्यूज किसी के नहीं है। तो मैंने खुद देखा हुआ है, मैं चाहूंगा तो आपको स्क्रीनशॉट भी पा दूंगा कि कौन कौन से ऐसे चैनल है जो बताते हैं। इनका बताना कुछ और होता है, कराना कुछ और होता है। एक एक साल पुरानी वीडियो है जिसमें 11-12 हजार व्यूज है, मैं केवल व्यूज 11-12 हजार। ये लोग कहते हैं कि 1 मिलियंस व्यूज ला देंगे, 2 मिलियंस व्यू ला देंगे। भाई मैंने भी ट्राई किया है, मेरे को तो कभी नहीं आया, बहुत कोशिश की, कभी भी व्यूज पे वायरल ऐसे नहीं होती जब तक आप अच्छे से उस पर मेहनत ना करें। अब वो लोग टाइटल ही ऐसा पा देते हैं जिस कारण उनकी वीडियोस टॉप पर चली जाती है, जैसे कि एक दिन में करे व्यूज पूरे, 1 घंटे में करे 4,000 घंटे पूरे, ऐसे थंबनेल पा देते हैं, ऐसी वीडियोज बना देते हैं कि वीडियो यूट्यूब उसको आगे ले आती है, आगे प्रमोट करने के कारण ही उनके भाव चाव बढ़ जाते हैं, 4-4 लाख 5-5 लाख व्यूज आ जाते हैं उस वीडियो पे, जिस कारण उनका चैनल तो मोनेटाइज हो जाता है लेकिन आप सबका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ आपको मैं, पहली बात यूट्यूब पे वीडियो जब आप बना रहे हैं तो बैकग्राउंड अपना चेक कर लें, बैकग्राउंड आपका सही होना चाहिए। और दूसरी बात वीडियो बनाते टाइम जैसे मैं अभी हल्का कभी कभी भूल जाता हूँ मैंने क्या बोलना है, वैसा काम नहीं करना है, मैं अभी भी बोलता हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड हो जाऊंगा। और दूसरी बात सॉरी तीसरी बात कि जब भी वीडियो बनाएं तो कॉन्सेंट्रेट वीडियो पर रखना है, ना कि दूसरी चीज़ों पर या दूसरों की बातों पर, अपना ध्यान पूरा अपने कैमरे पे या मोबाइल का कैमरा हो चाहे नॉर्मल कैमरा हो उस पर रखना है। और वीडियोज बनाते टाइम कोई भी बाहरली आवाज़ वगैरह नहीं आनी चाहिए, और क्योंकि जैसे कभी कभार गाना कोई बजा रहा होता है अगर वो भी आ जाता है तो कॉपी राइट क्लेम आ जाता है वीडियो पर, जिस कारण आपको वीडियो देखनी नहीं पड़ती, अजय बढ़ती भी है तो कॉपीराइट क्लेम जिसका आया होगा उसके पास उसका पैसा जाएगा। तो मेरा कहना ये था कि आप जो वीडियोज बनाते हैं वो अपने तक ही सीमित रखें, और जो वीडियोज बना रहे हैं मैं कहूँगा अगर आप सेट एज प्राइम पे क्लिक कर कर अगर अपलोड करते हैं ना तो ऑल ऑफ नोटिफिकेशन सबके पास जाती है उसकी, क्या सवेरे बंदे ने ये वीडियो अपलोड की है। तो आपको अगर वीडियो समझ आई हो, अगर नहीं समझ आई तो एक बार और समझा देता हूँ, बैकग्राउंड क्लीन रखना है, साउंड इफेक्ट तो दूसरे नहीं आने चाहिए, साउंड अपनी रखनी है, और एडिटिंग बेस्ट से बेस्ट कोशिश करना हो सके, चाहे मोबाइल से कर रहे हो चाहे कैमरे से करो, एडिटिंग बेस्ट करना। और बात रही मेरी बात तो यहीं तक थी, वीडियो बनाने के बाद जो थंबनेल और टाइटल होता है वो भी बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करें। हालांकि मैं थंबनेल नहीं बना रहा, मैं जो भी आता है वो पा देता हूँ, बस ये है कि
अपना जो लिखने का तरीका है टाइटल पे वो थोड़ा अलग है, वो मैं लिख देता हूँ अलग से ताकि वीडियो टॉप पर जाए, लेकिन जो हमारा थंबनेल है वो मैं कभी नहीं बनाता दोस्तों, क्योंकि मेरी वीडियो होती है जेन्युइन, ताकि मैं दूसरे की फोटो पाकर उस पर छाप दूँ और उसके कारण मैं अपनी वीडियोस को टॉप पर ले जाऊँ, ये काम मैं नहीं करता। मैं अपने दम पर रखूँगा अपने सब्सक्राइबर और अपने फैमिली को खुद बनाऊँगा, दूसरों के फोटो दिखा के दूसरों का थंबनेल पाकर मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियोज आती रहें और लोग मेरे को पहचानने की जगह बंदे के थ्रू मेरी वीडियो देखे, ये मैं नहीं चाहता। ये मैं अपनी वीडियो खुद बना कर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ वैसे आगे भी दिखाता रहूँगा दोस्तों। इसी के साथ अलविदा, और ये है यूट्यूब टाइम लगाता है पेमेंट देने के लिए, 1-2 साल लगता है, लेकिन मेहनत जारी रखना। मेहनत अगर बीच में छोड़ दोगे तो यूट्यूब दोबारा कभी वीडियो अपलोड नहीं करता है, दोबारा कभी आपको चांस भी नहीं देगा। एक बार आप एक बार डट गए हो तो डटे रहो, बस इतना ही कहना था आज के लिए।